गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है डिफी। और देखने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि आज का मैच बहुत ख़तरनाक होने वाला है, आरसीबी वर्सेस सीएसके। तो उसी के शॉर्ट्स हैं, कुछ और भी ऐड किए हैं, तो करते वीडियो स्टार्ट, तो देखते हैं। हम गरीबों के लिए कुछ छोड़ दो सीएसके वालों, ये पीले कपड़े वालों, थोड़ी सी दया कर दो हमारे ऊपर। देखो हम हाथ जोड़े बैठे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, तेरा बाप सोचो अगर ईशान शर्मा की जगह किसी और खिलाड़ी ने आकर विराट को आउट करने की बात की तो हमारे चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। एक मैच में चल गए तो उसके बाद कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। But all that mattered to him was that story. Story of Vasili. Huh? Story of loyal fans. मुझे नहीं पता वो सच्ची कहानी क्या थी। But he was living for that cup. And it can't go unfinished. इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, छोड़ दिया। एजीएफ को हासिल करने के लिए उसे एक सेना की जरूरत थी। बाकी ने गरुड़ा को सबके सामने मारकर वहां लोगों के मन में डर को मार दिया था। अब वो सब उसकी सेना बन गए थे। यह भी पहला चैप्टर था। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India.
बकरा है ये। मैं तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर? आए तू इस ग्राउंड में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा और स्पेशली फील्ड में, तो कभी उस चीज को एक्सेप्ट करके उसे छोड़ देना मेरे नेचर में नहीं रहा। एक सवाल जो मेरे जहन में, वो जो 11 फाइनल खेल चुके हैं उस शख्स के बारे में, अभी भाई क्या करना स्टोरी करे? शांति में तू हमें बहुत बड़ा जीत, हैवी ड्राइवर आते ही सबकी मौज। अभी फिलहाल में सबसे डेंजरस साइड है, काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है। Huh?
so good to be someone playing with him, you know. I'm feeling so lucky to be someone playing in this time where he has played as well as we're about to him. It's great, it gives us energy. You're not good enough. There's a million other people with the same self. You really think you're different and you just pretend. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Virat Kohli strike rate. जाके रिकॉर्ड पे दे इंसान है या भगवान यार, क्या यार शॉट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि आज का जो मुकाबला है ना वो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। सीएसके फ़ैन जो है ना वो भी फुल फॉर्म में, और जो आरसीबी फ़ैन है ना वो भी फुल फॉर्म में है यार।
क्योंकि अगर नॉर्मल मैच होता तो फिर एक इतना जुनून, इतने ट्रेंड, इतनी चीज़ें नहीं चलनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो टीम जीती है, जो जीता वही सिकंदर, मतलब जो यहाँ पर जीतेगा वही टीम आगे जाएगी, इसीलिए दोनों टीमों की तरफ से ना फुल जोर लगाया जाएगा कि एक जीतने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब यह है कि आरसीबी अगर आगे जाती है तो फाइनल की तरफ या यहाँ से क्वालिफाई करती है ना सेमीफाइनल के लिए, तो फिर ये अच्छा है क्योंकि एक उनके लिए भी अच्छा है या दोनों के लिए अच्छा है। आप देखें ना कि अब आईपीएल से टीम बाहर हो जानी है तो जाहिर सी बात है अब दोनों टीमें अपनी तरफ से फुल जोर लगाएंगी ना। सीएसके भी अब उधर से भी फुल वो भी फॉर्म में है, जैसे उनकी फॉर्म एक बहुत अच्छी जा रही है, हर आईपीएल में उनके एक अच्छे मैच जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो अभी कम बैक किया ना आरसीबी ने या जो अभी परफॉर्मेंस देने लगे हैं वो यार आउटस्टैंडिंग है और देखने वाला होगा कौन जीतता है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि इस मैच में मैक्सिवल चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे, जैसी फैंस चाह रहे हैं या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। जो सी एस के और आर सी बी का मैच वो होने वाला है, वो देखने वाला मैच होगा, क्योंकि आर सी बी जो कमबैक किया है वो ज़बरदस्त कमबैक किया है वो, है ना। आज का मैच जो आर सी बी अगर जीता है तो वो क्वालिफाई होने का चांस और बढ़ जाएगा, और ये लास्ट सीजन भी है धोनी और कोहली का, और वो मैक्सवेल का परफॉर्मेंस भी देखने वाला होगा, क्योंकि जैक्स इंग्लैंड में वापस जा रहा है तो मैक्सवेल उसको रिप्लेस करेगा, तो उसको परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो देखते हैं। और ज़्यादा वो शॉट्स में जो जडेजा और धोनी और कोहली का ज़्यादा बेहतरीन शॉट्स देखने को मिला, वो भी बेस्ट शॉट्स थे, और सारे शॉट्स है ना देखे मैंने, बहुत एंजॉय की। बिल्कुल यार, यहाँ पर आज का जो बॉलिंग है वो भी एक बहुत ख़तरनाक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बोलते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा सुना है ना आरसीबी की जो बॉलिंग है वो काफ़ी लूज है, मतलब वो नहीं, लेकिन यार ऐसा कोई ऐसी एक बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से आरसीबी काफ़ी टाइट होके आ रही है। लेकिन ये कि वाकई जो लास्ट मैच है स्टार्ट भी वहीं से हुआ आज, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लास्ट मैच खेलें एमएस धोनी, मतलब आईपीएल या आगे भी खेलें, फ़ैन तो यही चाहते हैं कि वो कभी ना छोड़े, लेकिन फिर कुछ तो मजबूरियाँ होती हैं। अगर वो अगला आईपीएल खेलते हैं, कुछ न्यूज़ सुनी थी कि वो खेलेंगे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का मैच काफ़ी यार मज़ेदार धमाकेदार होगा, तो देखते हैं फिर कौन जीता है। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, हम तो दोनों को यार सपोर्ट करेंगे, दोनों तरफ ही हमारे फेवरेट हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट्स पसंद आएंगे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट कौन से शॉर्ट्स बनाने। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।